क्या नाम है आपका? मिलन वर्मा। क्या करते हैं आप? कबाड़ बीनते हैं जी। तो मतलब क्या कबाड़ बीनते, उसमें क्या खर्चा वर्चा चल जाता है? जी बिल्कुल चलता है। बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। घर पे आपके घर परिवार में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे 3 बच्चे हैं। शादी हो गई? जी, 2 बेटा 1 बेटी है। मम्मी पापा है। अच्छा जी सर। तो हम जैसे सबसे चर्चा कर रहे थे यूपी इलेक्शन के बारे में, चुनाव आने वाले। बिल्कुल। तो क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल ये रहेगा सर कि देखिए, जो अच्छा काम करेगा, जो 5 साल में दिख गया होगा किसने अच्छा काम किया। योगी जी का बहुत अच्छा काम है। सबसे पहला COVID-19 में बहुत अच्छा काम है उनका। अच्छा जी। जो उन्होंने बहुत सारे लोगों की तो मृत्यु हुई, उसमें मृत्यु हुई है, वो अपने अपने नसीब की बात है। सारे लोगों को तो चिता भी नहीं मिल पाई, जैसे हिंदू जो लोग हैं उन्हें तो उन्हें गंगा किनारे में ऐसे ही गाड़ दिया गया। सर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले इंसान को अपनी गलतियां महसूस करनी चाहिए। जैसे हमारे पिता हैं या माता है, कोई भी है, किसी कारण उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, 9 महीने कोख में रखा है, ठीक है। और आज उनको अगर कोई बीमारी होती है या कुछ होता है तो हम उनसे घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? वो भी घृणा कर सकते हैं जब उनने पैदा किया कि ये गंदा है, इसको हटाओ फेंको। हम अपने हाथ क्यों इस खून में, या इसको क्यों, इसकी लैटरिंग साफ करें या इसका बाथरूम साफ करें, इसको हटाओ। आज वो लैटरिंग या बाथरूम कर रहा है या मान के चलो वो बीमार है, तो हमें उसके बीमारी को नहीं, हमें उसको साथ देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे माता और पिता हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया है। तो इसका चुनाव से क्या कनेक्शन है वो बताओ? चुनाव से ये कनेक्शन है कि जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। योगी जी ने अच्छा काम किया है। सबसे पहली बात, किसी की भी सरकार आए, देखिए अगर, लेकिन लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, केंद्र सरकार बढ़ा रही है, हालांकि वो ये काम केंद्र सरकार का है, लेकिन चूंकि बीजेपी की है केंद्र सरकार भी, और कहा जाता है यूपी भी बीजेपी की है, डबल इंजन की सरकार की बात होती है। जी जी, है ना, डबल इंजन सरकार की बार बार बात की जाती है। तो आपको नहीं लग रहा है कि बीजेपी के प्रति नाराजगी है लोगों में? जी नाराजगी के लिए ऐसा है, देखिए अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार हैं, ठीक है। और रही बात, तो गरीब आदमी कोई हेलीकॉप्टर लेकर या कोई रेलगाड़ी लेकर तो घूमता नहीं है, या कोई 4-व्हीलर लेकर नहीं घूमता, उसको तो पैदल ही चलना है या साइकिल से, ज़्यादा ज़्यादा बाइक से। अच्छा, ये बीजेपी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये धार्मिक मामले ज़्यादा को हवा देती है, हिंदू मुस्लिम हुआ इस तरीके का। देखिए धार्मिक मामले के मामले में हमारा ये कहना है कि जो भी सियासत करते हैं किसी भी राज्य का हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपना सत्ता बनाने के लिए एक दूसरे को, पब्लिक को भड़काते हैं, और भड़काने के जरिए वो सोचते हैं कि पब्लिक लड़े हमारा फायदा हो। तो ऐसा तो बीजेपी तो कर रही है सर? तो कोई तो वो तो हर 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 पार्टी करती है सर, ऐसा नहीं है, हर पार्टी करती है। हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, बीजेपी भी करती है, और चाहे सपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, हर पार्टी एक दूसरे की बुराई करती है। और एक दूसरे की बुराई नहीं, आपने जो कहा नहीं, पब्लिक को लड़ाने के लिए, और बाद में एक थाली में खाते हैं। सत्य बात है कि नहीं, आप भी इस चीज को जानते हैं। तो मेरा आप ये कह रहे हो लोगों को लड़ा भी रही है वो, आप फिर भी कह रहे हो कि, लेकिन काम देखा जाता है, काम अच्छा कर रही है, लोग लड़ मर जाएं और काम अच्छा, क्या फिर काम अच्छा होगा? नहीं, लोग कैसे लड़ेंगे जब काम अच्छा होगा तो लोग कैसे लड़ेंगे? आप कह रहे हो कि लोगों को नेता ऐसे ही बन रहे, लड़ा रहे हैं? नहीं तो सर, वो तो जब अपना वोट जीतना है जिसको, तो वो तो बुराई करेगा ही अपने पक्ष के लिए के शायद। अच्छा ये बताओ, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैंने पढ़ाई 5वीं कक्षा तक। 5वीं तक, लेकिन फिर भी आप पॉलिटिक्स अच्छी तरह समझते हो? जी बिल्कुल। ये आपने एक टेंट बनवा रखा है, ये उसका सिंबल है, ये जी जी, ये क्रिश्चियन वाला ना? जी जी। क्या बोलते, क्रॉस जी। तो आप क्या जी? नहीं, हम बर्मा हैं। बर्मा है। शौक है जब जैसे शादी नहीं हुई, अब जैसे कोई चीज़ का शौक तो हो जाता है। तो आप मतलब आप फाइनल आप चाह रहे हो कि बीजेपी फिर से बनेगी? बनेगी, और सर बनेगी सर।